जय हिंद साथियों। जैसे कि अभी एक नया पीडीएफ आया है जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि 16 नवंबर से आप लोगों का फिजिकल शुरू हो गया है, मतलब होगा आप लोगों का करके, और 4 नवंबर से आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास काफ़ी कॉल आ रहा है कि सर क्या ये सही है गलत है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर सिर्फ नाप जोख होगा, कई लोग बोल रहे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उसमें उस पीडीएफ का सच्चाई क्या है और क्या वाकई में उस दिन से फिजिकल आप लोगों का शुरू होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरा काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि जैसे सब लोगों को पता है कि मेरा थाना पोस्टिंग हो गया, और क्या थाना में बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल से समय मिल पा रहा है क्योंकि फील्ड देखना रहता है, बाहर ड्यूटी जाना रहता है, वीआईपी मूवमेंट रहता है काफ़ी, लेकिन फिर भी क्या समय निकाल के आप लोगों को कोशिश करता था, मतलब वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो सके। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर मेरा बाय द वे नांदगांव में अगर जहां पुलिस भर्ती होगा अगर वहां मेरा ड्यूटी लग जाता है तो मैं आप लोगों को और बेटर जो जानकारी है वो मैं दे पाऊंगा कि किस तरीके से भर्ती हो रही है, हाई जंप कैसे नापा जा रहा है। तो आप लोग मुझसे प्रॉपर जोड़ के रहिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो। पीडीएफ पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार सरसरीवार पढ़ के जो मेन मुद्दा है वो समझा देता हूँ कि उक्त भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों, मतलब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद शारीरिक नापजोक, हाइट, वे मतलब ऊंचाई, सीना, सब सारी चीज़ें आप लोगों का नापजोक होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता। तो शारीरिक दक्षता मतलब आप लोगों का फिजिकल, तो जी हाँ आप लोगों का एक ही दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल शारीरिक नापजोक होगा, और आप लोगों का जो 5 इवेंट है वो भी एक ही दिन होता है, क्योंकि हम लोगों का भी एक ही दिन हुआ था। जो एसआई में भली वो बार बार अलग अलग होता है, लेकिन जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें एक ही दिन सभी चीज़ें होता है। और इसके लिए जो मतलब जो सेंटर बनाया गया है रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर एवं कोंडा गांव में निर्धारित परीक्षा स्थलों में किया जावे। और इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जो है आप लोगों का 4 नवंबर से आप लोगों का प्रवेश पत्र मतलब वेबसाइट में शुरू हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी नाइट के समय पहली बार रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जी हाँ, आप लोगों का 16 नवंबर से फिजिकल शुरू हो जाएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। अगर मैं मेरा ड्यूटी मान लो बाय द वे अगर लगता है भर्ती में तो मैं आप लोगों को और अच्छा जानकारी दे सकता हूँ। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।